एशिया कप में रहा टीम इंडिया का दबदबा, पाकिस्तान की हालत पतली। टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान एशिया कप में। इस तरीके से होंगे भारत पाक मुकाबले। पाकिस्तान में होंगे सिर्फ 4 मैच, श्रीलंका में खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल। टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, बुमराह अय्यर की फिटनेस को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पॉजिटिव, आपके साथ में हूं भूवन शर्मा। 31 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, और दरअसल ये टीम इंडिया के लिए एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज वाली खबर है। पहली खुशखबरी तो यही कि पाकिस्तान को एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एक बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से जो टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर कराए जाने का जोर दिया जा रहा था, उस पर सहमति हो गई है। मेजबानी पाकिस्तान करेगा, लेकिन सिर्फ 4 मुकाबलों, बाकी मैच की मेजबानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को दे दी गई। यानी कि टूर्नामेंट पाकिस्तान की मेजबानी में होगा जरूर, लेकिन फाइनल समेत कई अहम मुकाबले श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 4 मैच आएंगे, जबकि भारत श्रीलंका वाले बाकी के 9 मैच, और यहां तक कि टूर्नामेंट का फाइनल भी श्रीलंका में होगा। दोस्तों, चैंपियनशिप में 6 टीम हिस्सा ले रही है, जिन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। दोनों ग्रुप से एक एक टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगी, जिसके बाद से जो विजेता होंगे उनके बीच खिताबी भिड़ंत होगी। 31 अगस्त को ये भिड़ंत होगी। भारत पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहेंगे, तीसरी टीम नेपाल होगी। ऐसे में 13 मैच की चैंपियनशिप में दोनों ही टीम के बीच कम से कम 3 बार तकरार हो सकती है। पाकिस्तान के हिस्से वाले मैच की मेजबानी लाहौर करेगा, और भारत पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल इस टूर्नामेंट की अन्य टीमें हैं। टूर्नामेंट इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के मद्देनजर 50 ओवर फॉर्मेट में ही खेला जाएगा। तो ये तो थी पहली गुड न्यूज। अब मैं आपको टीम इंडिया या भारत के लिए दूसरी खबरी बता रहा हूँ। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर को लेकर खबर आ रही है, जल्दी मैदान में वापसी कर सकते हैं। जी हाँ, दोनों ही खिलाड़ी चोट की वजह से फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, आप सब जानते हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक अय्यर और बुमराह एशिया कप के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह फिर से बना सकते हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इन दोनों ही की जांच होगी, और बुमराह और अय्यर ने हाल ही में चोट के बाद सर्जरी अपनी करवाई है, और इस वजह से ये दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाए थे। अब बुमराह आईपीएल 2023 से ही बाहर चल रहे हैं, आप सब जानते हैं। क्रिकेट इन्फो की एक खबर है जिसके मुताबिक नेशनल क्रिकेट एकेडमी का मेडिकल स्टाफ इन दिनों दोनों ही खिलाड़ियों की जांच करेगा, और बुमराह ने बैक सर्जरी करवाई है, वो इसके लिए मार्च में न्यूजीलैंड गए थे। बुमराह अभी फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें तो पीठ के निचले हिस्से में उनके दिक्कत की वजह से वो बाहर चल रहे हैं। अय्यर ने लंदन में अपनी सर्जरी करवाई है, और श्रेयस भी बुमराह की तरह फिजियो से मदद ले रहे हैं। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच मार्च 2023 में खेला था। अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, इसके बाद से ये टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाए। श्रेयस भी आईपीएल 2023 में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब जल्द ही श्रेयस अय्यर भी मैदान पर वापसी करेंगे, ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है। इस बीच क्रिकेट फैंस को ये उम्मीद थी कि जल्दी पूरे शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, यानी एशिया कप के बारे में बात कर रहे हैं। संभावना ये जताई जा रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले की भी तारीख सामने आएगी। हालांकि अभी तारीख के हिसाब से शेड्यूल का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन अब जबकि तारीखें आ गई हैं तो पूरा टाइम टेबल भी जल्द आ जाएगा। इस बीच स्टार स्पोर्ट्स ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि एशिया कप के सारे मैच स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर ही फ्री में दिखाए जाएंगे। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच अब ICC और ACC जो है वो सामना होता है, इसलिए TV और मोबाइल पर रिकॉर्ड्स तोड़ रेटिंग आती है, लिहाजा ये पूरा आप मैच देख सकते हैं, पूरा टूर्नामेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है, 2 बड़ी गुड न्यूज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई है टीम इंडिया के लिए, कि टीम इंडिया जो मकसद लेकर चल रही थी, पाकिस्तान के साथ मुकाबले हो या पाकिस्तान की सरजमी पर ना खेलने की जो बात आ रही थी, उस पर रजामंदी हो गई है। हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान का जरूर है, लेकिन 4 हिस्से मैच के पाकिस्तान के हिस्से आए हैं 4 मैच, और बाकी के श्रीलंका में खेले जाएंगे। और दूसरी बड़ी गुड न्यूज़, बुमराह और श्रेयस अय्यर को लेकर, बेहतरीन प्लेयर है और उनका वापसी आना टीम में जो है बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा था। इस पर आप अपनी राय हमें जरूर बताइए।